भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लगातार 14 दिनों की ठंडी रात बिताने वाले विक्रम और प्रज्ञान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हालांकि अभी तक इसरो को इसमें सफलता नहीं मिली है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई का कहना है कि यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसे पृथ्वी से दूर से शुरू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंडर और रोवर के रिचार्ज होने के बाद ही सिग्नल मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जिस हिस्से में चंद्रयान ने लैंडिंग की थी वहां 22 सितंबर को सूर्योदय हुआ है। चंद्रमा से अभी तक कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला है, जिससे इसरो वैज्ञानिकों को निष्क्रिय अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क स्थापित करने के अपने प्रयासों को तेज करना पड़ा है। देसाई ने इसरो की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, इसरो के ट्वीट से स्पष्ट है कि लैंडर और रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह ऑटोमेटिक रूप से पुनर्जीवित होगा और सिग्नल भेजेगा। अभी तक तो कोई सिग्नल नहीं आया है। आपको बता दें कि लैंडर और रोवर दोनों को क्रमशः 4 और 2 सितंबर को स्लीप मोड में रखा गया था। देसाई ने कहा कि 22 सितंबर को चंद्रमा पर सुबह होने के साथ ही सिग्नल प्राप्त करने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने इसकी आधी आधी यानी कि 50-50 संभावना बताई है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कनेक्शन स्थापित नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, मिशन पहले ही अपना काम कर चुका है। यदि लैंडर और रोवर फिर से उठते हैं तो चंद्रमा की सतह पर और प्रयोग किए जाएंगे। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुराई ने इसके व्यापक परीक्षण का हवाला देते हुए प्रज्ञान रोवर के बारे में आशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं प्रज्ञान के बारे में काफी आशान्वित हूं क्योंकि इसका परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन लैंडर के लिए इंतजार करेंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर अंतरिक्ष में 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त को अज्ञात चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर जब उतरा तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 का दूसरा चरण तब शुरू होगा जब इसके लैंडर और रोवर मॉड्यूल विक्रम और प्रज्ञान 14 दिन की नींद से जागेंगे। लोकसभा में मून मिशन पर चर्चा के दौर ना जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विक्रम और प्रज्ञान को नींद से जगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम आज रात धरती पर सोएंगे तब विक्रम और प्रज्ञान शायद चंद्रमा पर जाग रहे होंगे। इतिहास रचते हुए भारत का चंद्रयान 3 बीते महीने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। इसके बाद चंद्रयान 3 ने अपना मिशन पूरा किया। चंद्रमा के इस हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने के बाद से चंद्रमा की सतह पर प्रयोग किए। इसके बाद 4 सितंबर को बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर उन्हें सुला दिया गया। उनके सोलर पैनल इस तरह से सेट कर दिए गए थे कि चांद पर सूर्योदय होने के बाद लैंडर और रोवर को एनर्जी मिल सके। मंत्री ने कहा कि लैंडर और रोवर के साथ कम्युनिकेशन सर्किट को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। इस सर्किट को वेकअप सर्किट कहा जाता है। यह तब काम करेगा जब तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे चला जाएगा। अब टीम इसरो और मिशन से जुड़े सभी लोग इस चंद्रमा पर तापमान बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा पर तापमान जैसे ही 0 से 10 डिग्री ऊपर जाएगा, एक वेकअप कॉल जाएगी और इसी के साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान नींद से जाग जाएंगे। मंत्री ने कहा कि यह दुनिया में पहली बार होगा जब देश महिला आरक्षण बिल के पारित होने का जश्न मनाएगा, तो इसी के साथ शायद विक्रम और प्रज्ञान के जागने का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में चंद्रयान 3 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। हम वेकअप कॉल के एक्टिव होने और विक्रम और प्रज्ञान के उस अलार्म का जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार वेकअप कॉल जुड़ गई तो चंद्रयान 3 का पृथ्वी से संचार शुरू हो जाएगा और हम ऐसा करने वाले दुनिया के पहले देश होंगे। लोकसभा में चंद्रयान 3 पर दिन भर चली चर्चा में कुछ नोकझोंक भी देखी गई, जब केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि पिछली सरकारों ने अंतरिक्ष एजेंसी को पर्याप्त संसाधन नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उस समय ट्रक उपलब्ध थे, लेकिन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को परिवहन सुविधाएं नहीं दी जाती थीं और रॉकेट को ले जाने में भी परेशानी होती थी। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है और अगले 15 वर्षों में 40 अरब अमेरिकी
डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया इस ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिका ने एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की पेशकश की थी। अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत उसके सेमीकंडक्टर संघ का हिस्सा बने। हैलो प्रज्ञान, हैलो विक्रम, हम भारत से बोल रहे हैं, वहां तक आवाज पहुंच रही है ना, जवाब दो। कुछ इसी तरह की बातों को सिग्नल के जरिए इसरो के साइंटिस्ट इस समय धरती से भेज रहे हैं। लेकिन शनिवार सुबह तक मिले ताजा अपडेट के मुताबिक चांद से कोई जवाब नहीं आया है। जैसे जैसे चांद पर सूरज की किरणें बढ़ती जा रही हैं, भारतीयों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि चांद पर सोए अपने दोनों बलवान उठ खड़े होंगे। पिछले कुछ घंटे से इसरो के साइंटिस्ट लगातार अपने रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। चांद के दक्षिणी क्षेत्र में -200 डिग्री सेल्सियस से पैदा हुई ठंडक और गलन धूप बढ़ने से घट रही है और सतह पर गर्माहट बढ़ रही है। वहां धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है। ऐसे में कुछ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसरो के साइंटिस्ट को चांद से कोई अच्छी खबर सिग्नल के रूप में नहीं मिली है। चांद पर गए अपने दूतों से भारतीयों का एक अलग रिश्ता बन गया है। हर घर में उनकी बातें हो रही हैं। ऐसे में यह सवाल धड़कने बढ़ा रहा है कि अगर वे आज या कल तक नहीं जागे तो क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, अपने दोनों दूतों ने मिशन पूरा कर लिया है। अगर वे उठते हैं तो यह बोनस की तरह होगा। साइंटिस्टों का कहना है कि दोनों दूसरी पारी के लिए उठें या ना उठें, चंद्रयान-3 मिशन सफल है। उसके सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। रोवर ने चहलकदमी की, रास्ते में बड़े गड्ढे को पार किया और इसरो को पर्याप्त डेटा भी भेजा। वहां से लौटने का रास्ता भी साफ कर दिया। जी हां, विक्रम ने चांद पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर की तरफ एक छोटी उड़ान भरी थी। इससे भविष्य में चांद पर भारतीयों के जाकर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। कुछ समय पहले इसरो के चीफ सोमनाथ ने बताया था कि विक्रम और प्रज्ञान के जागने के लिए सबसे बड़ी चुनौती इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सर्वाइवल है। चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में रात को तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता है। वैसे इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विक्रम और प्रज्ञान को पिछले 15-9 में इतनी ठंड झेलनी पड़ी या नहीं। चंद्रयान-3 के लीड सेंटर यूआर राव उपग्रह केंद्र के निदेशक एम शंकरण ने पहले टीओआई को बताया था कि सिस्टम्स के काम करते रहने के लिए सूरज एलिवेशन एंगल -6 डिग्री से 9 डिग्री की जरूरत होती है। सूर्य के प्रकाश और सही ऊंचाई के अलावा एक निश्चित सीमा से ऊपर तापमान में वृद्धि की आवश्यकता होती है। प्रार्थना कीजिए कि एक बार फिर वे दोनों जाग उठें।